हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल के ऊपर एक बार फिर से। और आज आपके लिए मैं बहुत बड़ी खबर लेकर के आया हूं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर दीजिएगा और उसके बाद बेल के बटन को जरूर दबा दीजिएगा। जी हाँ फ्रेंड्स, RRB NTPC एग्जाम 2019 को लेकर के मैं बहुत बड़ी खबर लेकर आया हूं। RRB का नया नोटिस जारी कर दिया गया है। क्या वैकेंसी रद्द हो गई है RRB NTPC की? पोस्ट प्रेफरेंस डालनी पड़ेगी दोबारा और सभी के फ़ोन में मोबाइल से एक मैसेज भेजा गया है। क्या आपके पास भी ऐसा मैसेज आया है तो ज़रूर बताना, इस वीडियो के अंदर हम आपको बताएंगे। बहुत से छात्रों के लिए खुशखबरी भी आई है फ्रेंड्स, और आज ही कर देंगे ये काम तो पछताना नहीं पड़ेगा, वरना आपको पछताना पड़ सकता है फ्रेंड्स। इन वीडियो के अंदर हम सभी बातों की चर्चा करेंगे। उससे पहले आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल के बटन को जरूर दबा दीजिए ताकि हम जो भी नई वीडियो डालें तो आपके पास अपडेट आ जाए और आप हमारी वीडियो को देख पाओ। तो चलिए फ्रेंड्स, एक बात बताते हैं। सबसे पहले बताते हैं फ्रेंड्स, RRB का एक नया नोटिस जारी कर दिया गया है और वैकेंसी रद्द नहीं हुई है फ्रेंड्स। ये बात मैं आपको बता देता हूँ। बहुत से बच्चों के कमेंट आ रहे हैं, सर हमारे पास ये मैसेज आया कि वैकेंसी रद्द कर दी गई है, नहीं कर दी गई है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो हम जानते हैं कि एक मैसेज आया है सभी के एग्ज़ाम जब सभी के मोबाइल फ़ोन पर, RDLW वैकेंसीज आर कैंसल्ड फॉर RRB CEN 01 2019 NTPC, लॉग इन एंड मॉडिफाई यूर पोस्ट प्रेफरेंस allahabad.rrbonlineregistration.co.in, चेक यूर ईमेल फॉर डिटेल। ये मैसेज फ्रेंड सभी के फ़ोन पर गया है। तो यहाँ पर लिखा है RDW वैकेंसी आर कैंसल्ड, और DLW वाली वैकेंसी जो है कैंसिल की गई है, वैसे कंप्लीट वैकेंसी नहीं की गई है। और ये भी अलाहाबाद जोन के अंदर जो आते हैं उनके लिए है फ्रेंड्स, और बाकी जोन वालों को कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो अलाहाबाद जोन से आते हैं उनकी वैकेंसी जो है कैंसिल कर दी गई है। DLW वाली जो DLW रीजन के अंदर, ये कैटेगरी के अंदर जो आते थे, तो उनको क्या करना है फ्रेंड्स, अलाहाबाद वाले जो भी है जो DLW से प्रेफरेंस डाले हुए थे उनको दोबारा से प्रेफरेंस डालना है। पोस्ट प्रेफरेंस आपको दोबारा से डालनी है। और फ्रेंड्स, मैं आपको बता देता हूँ आपके लिए खुशखबरी क्या है। खुशखबरी ये है फ्रेंड्स, क्योंकि आपने जो है बहुत से छात्रों ने पोस्ट प्रेफरेंस गलत डाल दी थी, पता नहीं था आपको कौन सी प्रेफरेंस डालनी है पहले कौन सी नहीं, तो आपने से बहुत सारे बच्चों ने प्रेफरेंस गलत डाल दी थी। अब आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, अब आपको जो है पोस्ट प्रेफरेंस अच्छे से डालनी है। और आप ने अगर गलत डाली थी अलाहाबाद जोन से अगर आप हो तो आप उनको सही कर सकते हैं और सही प्रेफरेंस डाल सकते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, टाइपिंग टेस्ट वाले किसी ने प्रेफरेंस नहीं दी थी, और मैंने आपको बताया था कि टाइपिंग टेस्ट वाले पर बहुत कम बच्चे हैं, वहाँ पर किसी ने ज़्यादा प्रेफरेंस नहीं दी है। तो आप हल्की 10-10 मिनट हर रोज़ प्रैक्टिस कर करके टाइपिंग वाली प्रेफरेंस डाल देते हैं तो आपके चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और आज ही करते हैं काम, वरना आपको पछताना पड़ सकता है। जी हाँ फ्रेंड्स, आज क्योंकि RRB ने जो है अभी ये नहीं बताया है कि कब तक आप पोस्ट प्रेफरेंस डाल सकते हैं, ऐसा कोई नोटिस नहीं है, तो आप आज ही जो है ये पोस्ट प्रेफरेंस डाल दें, वरना ये कभी भी हट सकता है और आपको जो है प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। कभी भी ये नोटिस हटाया जा सकता है और ये जो आपके पोस्ट प्रेफरेंस सेलेक्ट करने की तिथि जो है वो ख़त्म हो सकती है। तो आप जो है आज ही अपनी पोस्ट प्रेफरेंस डाल दें। और RRB की वैकेंसी जो है NTPC की रद्द नहीं की गई है, सिर्फ DLW वालों की ही रद्द की गई है। तो आप ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। सभी के मोबाइल में मैसेज गया है कि RDLW वैकेंसीज आर कैंसल्ड, तो ऐसा कुछ भी नहीं है फ्रेंड्स, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है और अपनी तैयारी पर लगे रहिएगा। और कैसे तैयारी करनी है उसके लिए मैंने वीडियो बना के बताया है आपको, मेरे चैनल पर आकर आप देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। फॉर मोर वीडियो लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।